आगे आओ ना। गे में हम करती हूँ कौन हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं कि हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो आंखों में दिखाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो दुनिया को सुनाई दे उसे तूफान कहते हैं। और ये जो घर का सुराख है साहब, ये जो घर का सुराख है चाइना अमेरिका पाकिस्तान, जिसे हम अपने घर का रोशनदान कहते हैं। परम सम्मानीय शिक्षक सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति और मेरे प्रिय मित्रों, मैं फरीदा खातून देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य में अपने कुछ विचार आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगी। आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सब भाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो वर्षाल बनकर 1947 में हमारे देश को आज आजाद कराई। प्राचीन मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे, तब रंगे बसंते की चोलों की एक आवाज पर कोलों के टेलों उमड़ आते थे और उनके वंदन माध्यम की एक नारे से उनके खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेज, क्योंकि उस दौर में यह देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गंवा देने वाली औरत, जब घर के हालात ये हो जाया करती थी कि प्यार भी भरपूर गया, मां का सिंदूर गया, नन्हे नन्हे हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ पता चला ही नहीं पूरे जिस्म की कई गोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की दर्जा उड़ाने के लिए भेज देती थी और उसे पत्र लिखा कर भेजा करती थी कि पुत्र मेरे, न घबराना, एक इंच भी न पीछे हटना, चाहे इंच इंच कर जाना, चाहे इंच इंच कर जाना। इस तरह पूरा भारत अपना देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश परिधानी मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, किंतु आज ये देश लड़ जाने को, मर जाने को, मिट जाने को नहीं कहता। बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना कोई काम पूरी मेहनत, पूरी लगन और पूरी ईमानदारी से करे तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम की दीदियों को 3 रंग में रंग देना देशभक्ति है। यदि आप कहेंगे कि साथ में 2 बार हाथ में तिरंगा लगाना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि वो फुटपाथ पर रहने वाला बच्चा ट्रैफिक छाव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है तो क्या इसे देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं बल्कि पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसे करने पर मजबूर करती है। क्योंकि न मस्जिद को जानते हैं न शिवालयों को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं न शिवालयों को जानते हैं, जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने राष्ट्र, अपने समाज और अपने देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति। और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये जान सके, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये शमशान भी तेरा है, ये शमशान भी तेरा है। लेकिन एक देशभक्ति से, एक देशद्रोही से ज्यादा एक देशभक्ति तब महत्व होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धा आश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। खड़ा होती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की हम जान बचाने से ज्यादा हमसे
रहते हैं और इस घर के वो ही हुआ जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी अपने देश अपने राष्ट्र अपने समाज के आशाओं को बांधे रखने की। अब वही हुआ 4x4 यानी छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल उंगलियों के घर्षण मात से अपनी भावनाओं को इमोजी भेज रहा है। 4 होटल वोट का काम मेरा रोज का अरे भारत का भविष्य तबाह कर रखा है। हम ना एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ लड़कों से बात करता देख जो भाई हड़काते हैं, जहाँ लड़कों से बात करता देख जो भाई हड़काते हैं वही भाई अपने गर्लफ्रेंड के किस्से घर में हंसते सुनाते हैं। और मैं बता दूं कि महिला सुरक्षा के मामले में हम भी चौथे नंबर पे आते हैं। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थरों की मूरत को लगते हैं 56 भोग और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए मजबूर नहीं, गरीब को काम दीजिए दान नहीं, और दान देने के इच्छुक है तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अंगदान लेकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही हमारी सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। न सरकार मेरी है न रंग मेरा है, न सरकार मेरी है न रंग मेरा है और न ही ये भरोसा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे, मैं भारत की हूँ और वो हिंदुस्तान मेरा है। एक इशारे का वाली मुझे हमारी समाज में नजर आती है। कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं मुस्लिम सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि इंसान पैदा नहीं होते। मेरे विचारों में राष्ट्रमान के लिए न हिंदू की जरूरत है न मुसलमान की जरूरत है, राष्ट्रमान के केवल निर्माण के लिए केवल एक अच्छे इंसान की जरूरत है, केवल एक अच्छे इंसान की जरूरत है। जरा सोच कर देखिए, ये पेड़ पौधे और शाखाएं भी हैरान हो जाएं, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। एक शैक्षिक बीमारी मुझे हमारी समाज में नजर आती है और वो ये कि हम बड़े ही आश्चर्य की बात है कि जिस देश ने पूरी दुनिया को तक्षशिला और नालंदा देकर विश्वविद्यालय की शिक्षा की बुनियाद रखी, आज वही विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में हमारा एक भी विश्वविद्यालय खड़ा नहीं हो पाता। जहाँ एक और हमारे पास IIT और NIT जैसा शिक्षण संस्थान है, तो वही दूसरी ओर इस देश के गरीबों को बेरोजगारी की जमात में खड़ा करने के लिए उनके हाथों में सर्व शिक्षा अभियान का झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। और मैं बता दूं कि इस शैक्षिक बीमारी का केवल एक ही कारण है, वो ये कि हमारे देश में शिक्षा नीति केवल दो तरह लोगों के लिए होती है, पहली वो जो विद्वान हो, दूसरी वो जो धनवान हो। इस तरह की कई कई बीमारियां हैं और इन बीमारियों की जो जड़ है वो है हमारा अंधविश्वास। मेरे विचारों में हमारा अंधविश्वास तब खत्म होगा जब हमारे समाज का शिक्षित वर्ग भी बिल्ली के रास्ते काटने पर खड़ा हो जाए, अपनी धर्म अपनी जाति को ऊंचा मानकर दूसरों के धर्म की अवहेला करता रहेगा, तब तक न तो हमारा अंधविश्वास खत्म होगा और न ही राष्ट्र निर्माण संभव होगा। हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता को जब दुनिया ने शीश नवाजा है तो क्यों हमने आस्था के नाम पर अंधविश्वास को फैलाया है। मेरे विचारों में राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश में महिलाओं की पूजा नहीं इज्जत की जाएगी। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब जाति का दरक्षण नहीं बल्कि सशक्तिकरण पर हम बात करेंगे। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छ अभियान में केवल सरकार नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाला हर एक नागरिक अपना हाथ बटाएगा, स्वच्छ भारत और स्वच्छ भारत को दिल से अपनाएगा। असल मायने में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञान अर्जन के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पर कदम रखेगा। और हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक कि एक नागरिक नैतिक रूप से सच्ची चरित्र रूप से भ्रष्ट मानसिक रूप से दीवाले धार्मिक रूप से अंधा राजनैतिक रूप से गंध स्वैच्छिक मान मूल्यों के आंकड़ों में जिन सिंह पैपंद मई को अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं छोटी छोटी कोशिशें करनी है, क्योंकि चोट हमें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करती है। बींग एन इंजियन बींग स्टूडेंट बींग
सिंबल डॉटर ऑफ दिस मदरलैंड आई फील प्राउड टू बी एन इंडियन। मैं सल्यूट करना चाहूंगी सरहद पर खड़े नाते हमारी रक्षा करने के लिए हर उस जवान को, इस देश के पुलिस प्रशासन और किसान को, और इस देश के हर उस व्यक्ति के जो अपना काम पूरी मेहनत पूरी लगन और पूरी ईमानदारी से करते हैं, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव सा लगता है। और आज इस मंच पर पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं भारत की बेटी ये कहती हूँ कि हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम सभी हम और आप मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने की, हमारी जिम्मेदारी है इस देश को आगे ले जाने की, वतन को आगे ले जाने की, अपने राष्ट्र को आगे ले जाने की। और अंत में बस मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरा भारत महान था, है और हमेशा रहेगा। मेरा भारत महान था, है और हमेशा रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही क्यों सारा जहां जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा। वंदे मातरम।